साड़ी तो साड़ी गुयारे। रील्स डे है हम लोग का। रील रानी लोग का घर भी है, आप लोगों को बाद में दिखाएंगे हम लोग रील्स डे। हम लोग का ये त्रिपाल बहुत काम का है, समझे। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप लोग कैसे हैं? हम लोग अच्छे हैं, ठीक ठाक है, मस्त है। और आप अरे आप लोग कैसे हैं? एक्साइटमेंट में भूला है। और अभी आप लोग देख रहे हैं मौसम कितना बढ़िया है, और हम लोग निकल चुके हैं मस्त टाइम में। तो आप लोग क्योंकि आज सावन भर बारिश 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 सुबह और दिन और रात बारिश हो रही है। तो चलिए, और सावन का महीना भी चढ़ गया है, तो चलिए मजा आ रहा है। और इस मौसम में अभी ना थोड़ा थोड़ा पानी कर रहा है, तो हम लोग स्कूटी में जा रहे हैं ना, इतना मजा आ रहा है ना कि ऐसा लग रहा है चलते रहे बस तेल खत्म ना हो। तेल खत्म ये चलाएगी मैडम जी, तो हम पीछे बैठेंगे। तो चलिए सुहाने सफर में और अपनी मंजिल की ओर। तो चलिए, तो गाइस अभी हम लोग घर पहुंच गए हैं, और आते साथ हम लोग टूट पड़े थे कटहल और अचार, ये भी खा रहे इधर, हम भी इधर खा रहे हैं। तो मजा आ रहा है, सुबह का नाश्ता आजकल यही कटहल सब्जी। तो चलिए हम लोग खा लेते हैं, पूरा मजा आ रहा है। एक थरिया कटहल कभी नाश्ता में खाए हैं तो हम लोग कमेंट करिएगा। तो गाइस अभी पानी शुरू कर दिया है बूंदाबांदी, और हम लोग आए हैं, ये सज धज के आई है। हम तो इतना सज धज रोज रहते हैं। हाँ ये तो सो रोज ही सज धज के रहती है, बस आए तो हुए मोरनी बन के मैं तो चम चम नाचूं। तो गाइस अभी हम लोग जाएंगे, और बहुत कुछ रील शूट करना है आज। आज रील्स डे है हम लोग का। रील साड़ी तो साड़ी गुयारे कदोले टाला दूरा उड़ाला धीरे धीरे खेलबे चालबे के धीरे खेलबे और पता नहीं जो भी है, बहुत मस्त गाय। तो चलिए करिए कि चलबे है कि खेलबे, खेलबे है कि चलबे है। तो चलो रुको ना, तो दीपक लोग इधर से आएगा ना। चलो आराम करके रहेंगे ना, अभी थक जाओगे। एक दो रील्स बना लेते हैं, फिर थक जाती है, फिर नहीं मन करता है ना, इसीलिए हम लोग थोड़ा सा आराम कर लेते हैं दीपक लोग के आने तक। हम लोग तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं लोकेशन में, और अभी हम लोग सब एक साथ, हम लोग का पूरा पार्टी मिल गया है। और हम लोग सब एक दूसरे के बिना अधूरे अधूरे लगते हैं, ब्लॉग अधूरा रहता है। तो हम लोग आज छुट्टी के दिन में पूरा एकदम साथ में, आज हम लोग सब छुट्टी मार दिए सब चीज़ का। आज रील्स डे है ना, पहले आप लोगों को बताया था आज रील्स डे है। आज रील्स डे है हम लोग का, तो आज हम लोग सब रील्स डे मनाएंगे, और फिर आप लोगों को भी दिखाएंगे हम लोग कैसे रील्स डे मनाते हैं। और इधर अर्पित भी है, मजा आ रहा है पानी में खेलने में। और अर्पित को इधर पानी में खेलने मजा आ रहा है, और पानी आएगा तो और मजा आएगा भींगने के लिए। तो चलिए हम लोग रील्स डे मनाते हैं, आप लोग को दिखाएंगे रील्स डे कैसा मनाते हैं हम लोग। तो चलिए, और बाकी आप लोग देखिए यहाँ का लोकेशन भी बहुत मस्त है, सब तरफ थोड़ा हरा भरा, अभी हरा भरा होने ही हो रहा है। आज पानी आया तो कल परसों तक पूरा हरा भरा हो जाएगा। और इधर राजा रानी लोग का घर भी है, आप लोगों को बाद में दिखाएंगे, हम लोग रील्स डे मना लेंगे उसके बाद। रील्स डे मना लेंगे उसके बाद। यहाँ राजा रानी लोग का घर है, तो वो लोग का कहानी भी बताएंगे यहाँ पे। ये टुंगरी में आप लोगों को नजर आ रहा है, ये टुंगरी में क्या बोलते हैं, ये बनाया था, उठाया था, वहाँ खाटे जगह है, पूरा खाट जगह है। कहाँ? जी यहाँ, यही तो राजा रानी, जो देख जो ग्राउंड क्लियरेंस दिख रहा है ना, वहाँ से वो सब। हाँ ये सब किया बनाया, क्या बोलते हैं, बोलने नहीं जान रहे हैं। ग्राउंड, अरे ग्राउंड नहीं, वाल घेरा, वही तो बोला ग्राउंड बना रहा, वाल दीवाल। ये कीट होता है वाला, वही लोग है कि वही बनाया था, कुटावर भी वही लोग का है। आजकल तो वही लोग का है ना। हाँ तो चलिए हम लोग रील्स डे स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। बाबू रील्स डे टू वी, हैप्पी रील्स डे टू अस। तो गाइस अभी हम लोग का रील्स डे पूरा मस्त टाइप में चल रहा है, बाकी इधर आप लोग देख रहे हैं रील्स डे हम लोग इस तरह से मना रहे हैं। तो चलिए और भी हम लोग करते हैं रील्स डे, भिंग गया। तो चलो
गाइस अभी हम लोग रील्स डे मना के थक गए, रील्स बना बना के थक गए हैं और बैठ गए हम लोग। और ये लोग का जोश अभी ख़त्म नहीं हुआ है, और ये लोग का जोश ख़त्म नहीं हुआ है। अर्पित भी इधर खेल रहा है। तो गाइस अभी हम लोग थक चुके हैं और ये तो पूरी तरह थक गई है, और सब लोग हम लोग अपना अपना बैठे हुए हैं इधर। हमको धूप लग रहा है, धूप से बच रहे हैं कि पानी से बच रहे हैं? धूप से, इसलिए धूप है, दोनों काम आ रहा धूप। हाँ, और ये दोनों बाप बेटा, ये दोनों अभी हम लोग ये लोग रील्स बना रहे हैं, हम लोग आराम कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग अभी लंच लाने के लिए गए हुए हैं हम लोग ना, तो ये श्वेता और छोटू गया हुआ है लंच लाने के लिए, तो ये लोग लाएंगे, फिर हम लोग खाएंगे, फिर एनर्जी हम लोग को मिलेगा, फिर हम लोग फिर नाचेंगे। तो चलिए, तो ये है हम लोग के साथ, हम लोग की नई बेबी गर्ल आ गई है। अभी 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 हाय करो, अभी इधर देखो, इधर देख करके मेरा, और अभी अभी शर्मा भी लड़की बन गई, दुल्हन बनेगी ना बेटा। इधर इधर अर्पित देख दो ना। चल, मतलब रील्स डे में जो पार्टी हम लोग के लिए है, पार्टी का व्यवस्था हुआ है। ये सब पूरा चौमीन है, चावल है, कटहल है और भी बहुत कुछ है। और ये इंसान ना अपना बेटा उधर देखो कैसे पकड़ के बैठा है, उसका चौमीन खा जा रहा है, इसलिए वो उधर ऐसा बैठा हुआ है। देखो उसका बेटा है, वो उसका चौमीन खा जा रहा है, इसलिए बहुत दुख में एकदम ऐसा बैठा हुआ है। इधर देख, ये खा रहा है पूरा झुमड़ी बाप। यहाँ बेटा को खिलाना छोड़ के बाप खा रहा है, उसमें आप इसको झुमड़ी बोल रहे हैं। कहाँ जा रहे हो इतना देरी में? गाइस मेरा पेट खराब हो गया, इतना खाया कि आ जा रहा है। क्या करेंगे, पेट खराब हो गया। हम गए थे कहाँ, खाद फेंकने, खाद फेंकने तो वह क्या है, ओके पता है ज्यादा है समझे। तो गाइस अभी हम लोग खाना सब खा लिए और रील सब शूट कर लिए, इस लोकेशन में हम लोग खत्म कर लिए शूट करके, और खाना भी परफेक्ट गए। और अभी हम लोग जा रहे हैं भैया और इधर दीपक, ज्योति और श्वेता, ये लोग सारे लोग हम लोग जा रहे हैं। इस साइड में राजा रानी का घर हुआ करता था पहले ज़माने में, तो उसी कुछ निशान होगा बोल के हम लोग जा रहे हैं। तो देखते हैं, आप लोग बने रहिए ब्लॉग में। इसका कहानी तो नहीं पता कैसे है यहाँ का, तो भैया थोड़ा बहुत जानते हैं, तो वो लोग लास्ट में हम लोग बताएंगे राजा रानी का कहानी कैसा है। तो चलिए, खास पता नहीं है लेकिन यहाँ वो लोग का घर था, यहाँ रहा था, मतलब यहाँ रहते थे। उतना किसी को नहीं मालूम कि कैसा था, लेकिन हाँ इतना मालूम है कि यहाँ घर हुआ करता था। हम लोग अवशेष आप लोगों को दिखाने का कोशिश करेंगे। वहाँ इतना सेन दिक्कत में ना बनो दिक्कत। तो गाइस यहाँ के राजा का नाम था चंद्र, चंद्रसाय। और यहाँ के राजा का नाम था चंद्रसाय, और अभी पता चला यहाँ भैया हैं वो बताए हम लोगों को। और रानी का नाम नहीं पता, उनको भी नहीं मालूम, वो बुजुर्ग लोग से पूछना पड़ेगा कि रानी का क्या नाम था। और अभी है ना पोखरा, हम लोग क्या बोलते हैं भैया से बहुत सारा जानकारी ले लिए हैं, तो आप लोगों को दिखाते हैं अभी फिलहाल यहाँ का घर का अवशेष, राजा का घर का अवशेष दिखाते हैं। ये है दीवाल, ये बाहर वाला दीवाल है, और इधर है ये दीपक जो चल रहा है, उधर ये वाला अंदर वाला दीवाल है, और ये अभी हम लोग चल रहे हैं, ये अंदर में घर के अंदर ही हम लोग चल रहे हैं। मान पहले ज़माने में आप लोगों को पता होगा कि बहुत बड़ा बड़ा घर हुआ करता था, कभी आप लोग भी देखे होंगे राजा का घरों का अवशेष, या तो कभी किला वगैरह हुआ करता था, तो वहाँ बहुत बड़ा बड़ा घर हुआ करता था। तो ऐसा ही यहाँ के राजा का कहानी बहुत ही अद्भुत है, आश्चर्यचकित करने वाला है।
लेकिन हम लोग जितना जाने उतना आप लोगों को बता दिए। और भी अगर आप लोग चाहिएगा तो यहाँ का प्रॉपर वीडियो बना देंगे। चंद्र से क्या चंद्र शाह राजा थे, उनका प्रॉपर एक वीडियो बना देंगे आप लोगों का अगर रिक्वायरमेंट हुआ तो। बाकी आप लोग यही देख रहे हैं पूरा उसका घर झूठ हो चुका है। ये जगह का नाम है चंद्रपुर, तो चंद्रपुर ये चंद्र शाह राजा के नाम से ही यह गांव का नाम चंद्रपुर पड़ा। हम लोग का इस मतलब क्या बोलेंगे, हम लोग का मानना है, लोगों का मानना क्या है हम लोग जैसे जान रहे हैं वैसे आप लोगों को बता दिए। और बुजुर्ग लोग से और अच्छा से पूछना पड़ेगा कि चंद्रपुर किस कारणवश चंद्रपुर पड़ा नाम गांव का। तो बाकी आप लोग यहां का व्यू देखिए कितना मस्त है। राजाओं का घर ना ऐसे ही पूरा मतलब क्या बोलेंगे पहाड़ में रहता था, क्योंकि वो अगला दुश्मन को उधर आते हुए देख सकता है। तो गाइस हम लोग यहां से जाएंगे दूसरा लोकेशन में और राजा रानी का घर भी देख लिए। तो चलिए हम लोग यहां से चलते हैं और बारिश होने की संभावना भी है तो यहां से निकलना। अर्पित कहाँ जी तो गाइस हम लोग अभी पानी में फंस चुके हैं, देख रहे हैं ऐसे सब कोई हम लोग बच रहे हैं। पानी में सब अपना अपना जुगाड़ी में लगे हुए हैं और बारिश पूरा एकदम जोर से आ रहा है। इधर ऐसे किया क्या हुआ? हम लोग का ये त्रिपाल बहुत काम का है समझे। वो वाला लाते ना व्हाइट वाला तो फाड़ के और ज्यादा हो जाता ना। हम लोग वाला कहते कि ऐसे मौसम आएगा बोल के हम लोग अब इधर से करेंगे ना। हां ऐसा पहले तो बस हम लोग पहले से ही समझ के जान रहे हैं थे जुगाड़ कर ये जो अब भीग रहे हो पैन ए बहना बस बाहर ना बन जाए। अच्छा लग रहा है बेटा।